नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज ही हमारी क्लास 5 है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली 10 बजे मॉर्निंग में ये क्लास होगी, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि दिल्ली पुलिस भर्ती से रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर पेपर के 10 सेट्स की बुक है वो निकाली गई है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में कंप्यूटर की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बुक भी जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो इस बुक में कवर किए गए हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो हाल ही में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है और राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ये जो प्रोजेक्ट है वो टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में चलाया जा रहा है। इसमें किसान कृषि से संबंधित चीज़ों के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को किस वर्ष तक खसरा और रुबेला से मुक्ति दिलवाने के लिए खसरा रुबेला अभियान चलाया जा रहा है। आपने इस अभियान के बारे में सुना भी होगा और ये भी आपको पता होगा कि हाल ही में जो WHO ने दो देश जिन्हें खसरा रुबेला से मुक्त घोषित किया है वो कौन थे, श्रीलंका और मालदीव्स। तो भारत में भी अभियान चलाया जा रहा है कि हमारा देश भी जो है वो इससे मुक्त हो। तो किस वर्ष तक, तो 2023 तक जो है खसरा और रुबेला से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जनवरी से मार्च 2019 तक ये अभियान चलाया गया। इस दौरान 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के लगभग 9 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में 2023 तक खसरा और रुबेला को ख़त्म करने का संकल्प लिया है और हाल ही में WHO ने श्रीलंका और मालदीव्स इन दोनों देशों को खसरा और रुबेला से मुक्त घोषित किया है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत में अभियान जो है वो 2023 तक रुबेला और खसरा से मुक्ति दिलवाने के लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, MSME के लिए आत्मनिर्भर भारत में कितनी कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया है। तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसके लिए आत्मनिर्भर भारत में जो है 3 लाख करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया गया है और व्यवसायों को राहत देने के लिए 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण के 20% की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी रियायत ब्याज दर पर सावधि ऋण टर्म लोन के रूप में प्रदान की जाएगी और MSME सहित व्यवसायों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए कि MSME के लिए आत्मनिर्भर भारत में कितनी कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया है, 3 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम में से किन वस्तुओं को बाहर किया जाएगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में से जो है खाद्य तेल, दाल, प्याज एवं आलू, इन चारों को ही जो है इन वस्तुओं को बाहर किया जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। इस अधिनियम में आने वाले खाद्य तेल, दाल, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया जाएगा ताकि किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये उत्पाद बेच सके और मुनाफा कमा सके। अत्यधिक आपदा की स्थिति में ही इन उत्पादों का भंडारण की सीमा जो है वो लागू की जाएगी, यानी जब आपदा की स्थिति होगी तभी इनके भंडारण की सीमा लागू होगी। और जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में ये अधिनियम बनाया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बारे में ध्यान रखनी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन चारों चीज़ों को ही जो है बाहर किया गया है और आपदा की स्थिति में ही इनका भंडारण जो है अब किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि
आपके एग्ज़ाम्स में एक दो क्वेश्चन लगभग योजनाओं के पूछे जाते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है योजनाओं के बारे में भी कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का विस्तार जो है अब 2023 तक कर दिया है, और ये केंद्र सरकार द्वारा वृद्धों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है, और इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये एक तरीके से पेंशन स्कीम है, और इस योजना का विस्तार जो है वो 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका विस्तार जो है वो 2023 तक अब कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में 100% सोलराइजेशन का काम शुरू हुआ है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में जो है 100% जो है सोलराइजेशन का काम शुरू हुआ है, और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर में ये जो है 100% सोलराइजेशन करने का लक्ष्य है। कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने का उद्देश्य के साथ ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है, और आपको पता होगा कि कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है। तो आप इतनी बातें इस बारे में ध्यान रखेंगे कि 100% सोलराइजेशन का काम जो है वो उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है, और 16 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है, और इस दिवस का उद्देश्य को मनाने का उद्देश्य जो है वो है प्रकाश आधारित तकनीकों को मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो आप ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। डेज के क्वेश्चन भी लगभग आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेज का पूछा जाता है, तो 16 मई ध्यान रखेंगे आप प्रकाश दिवस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन सागर के तहत किस देश को सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन सागर के तहत मॉरिशस को जो है सहायता प्रदान की गई है, और मिशन सागर के तहत जो भारतीय नौसेना पोत है केसरी जिसका नाम है, उसने मॉरिशस में कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता प्रदान की है मॉरिशस को, और नौसेना पोत केसरी मॉरिशस के लोगों के लिए कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं की एक विशेष व्यवस्था के साथ में पहुँचा है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता प्रदान की गई है, और मिशन सागर जो है वो चलाया जा रहा है भारत और मॉरिशस के बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अफवाह फैलाने के लिए किस धारा के तहत सज़ा का प्रावधान है? तो अफवाह फैलाने के लिए अभी आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है, केसेस उन पर चले हैं अफवाह फैलाने के लिए। तो अफवाह फैलाने के लिए जो है धारा 505 जो है उसके तहत सज़ा का प्रावधान है, और धारा 505 IPC के तहत डर पैदा करने वाली सूचनाओं का प्रसार करने वालों के लिए 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों देने का प्रावधान है। तो आप ध्यान रखेंगे अफवाह फैलाने के लिए किस धारा के तहत सज़ा का प्रावधान है, धारा 505। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है, और इसका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। इसके साथ साथ में अधिसूचित आपदाओं के लिए राज्य के पास ये प्राथमिक स्रोत है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी जो होती है वो 75% केंद्र की और राज्य सरकार की 25% भागीदारी होती है। तो कोविड-19 की वजह से ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और कि अभी जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो मुख्यमंत्री उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रशासकीय मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रशासकीय मुख्यालय जो है फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा इसका आंसर है। और टिड्डियों के नियंत्रण, टिड्डियों को नियंत्रित करने को काम करने वाला ये जो केंद्रीय संगठन है जिसका नाम है लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रशासकीय मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है जैसा कि मैंने आपको बताया, और तकनीकी कामकाज जो है वो राजस्थान के जोधपुर मुख्यालय से किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि प्रशासकीय मुख्यालय तो हरियाणा
करना है, मतलब फरीदाबाद में है हरियाणा में, और तकनीकी कामकाज जो है वो राजस्थान का जोधपुर मुख्यालय जो है वहाँ से किया जाता है। तो ये जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये जो संगठन है वो देश में टिड्डी से होने वाली आपदा के प्रबंधन पर काम करता है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में टिड्डियों की काफ़ी समस्या हो रही है, तो उसी से होने वाली आपदा के प्रबंधन उसके मैनेजमेंट पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चंबा सुरंग भारत के किस राज्य में निर्मित की गई है? तो हाल ही में चंबा सुरंग जो है वो भारत के जो है उत्तराखंड राज्य में इसका जो है निर्माण हुआ है, और ये चारधाम परियोजना के तहत ये सुरंग जो है इसका उद्घाटन हो गया है, और सीमा सड़क संगठन ने ऋषिकेश धरासु राजमार्ग NH 94 पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। यह सुरंग जो है वो चंबा शहर को भीड़भाड़ से भी बचाएगी और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के रास्तों को भी खोल देगी। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि चंबा सुरंग जो है वो एक तो चारधाम परियोजना के तहत इसका विकास हो रहा है, और ये जो चंबा सुरंग है वो कहाँ निर्मित की गई है, उत्तराखंड में ये निर्मित की गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में COVID-19 ट्रैकर भारत के किस राज्य के नगर निगम ने विकसित किया है? तो हाल ही में COVID-19 ट्रैकर जो है वो भारत के जो है गुजरात राज्य में सूरत नगर निगम द्वारा जो है ये COVID-19 ट्रैकर विकसित किया गया है, और सूरत नगर निगम ने COVID-19 से लड़ने के लिए इस ट्रैकर को विकसित किया है। इससे विदेश से आने वाले अंतर्राज्यीय यात्री करने वाले या COVID-19 से संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि COVID-19 ट्रैकर जो है गुजरात राज्य में सूरत नगर निगम ने जो है इसका विकास किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को जो है आयोजित किया जाता है, और वर्ल्ड नो टोबैको डे इसे कहते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद जो है वो है तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना, और 2020 में जो है इस दिवस की जो थीम है वो है युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू व निकोटीन के उपयोग से रोकना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को मनाया जाता है, और उसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष में यान भेजने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी स्पेस एक्स किस देश में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने अंतरिक्ष में अपना यान भेजा है। तो ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, और ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके जो संस्थापक है स्पेस एक्स के वो संस्थापक है एलन मस्क, और ये कंपनी जो है वो अमेरिका की है, और यह अंतरिक्ष में यान भेजने वाली दुनिया की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है। इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर से 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निसर्ग क्या है? तो निसर्ग आपको पता होगा, न्यूज़ में काफ़ी आया था इसके बारे में कि निसर्ग क्या है। एक चक्रवाती तूफान है जो अरब सागर में उठा था, तो ये अरब सागर में उठा एक चक्रवाती तूफान है जिससे महाराष्ट्र व गुजरात के इलाके प्रभावित हुए हैं, और ये जो नाम है निसर्ग, ये नाम उसे किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। तो निसर्ग जो है वो क्या है? एक चक्रवाती तूफान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चीन व पाकिस्तान, इन दोनों देशों के मध्य चल रहा है, और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है POK, उसमें चीन जो है कोहाला जल विद्युत परियोजना स्थापित करेगा। और कोहाला जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थापित करेगा? ये प्रोजेक्ट जो है झेलम नदी पर स्थित है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि झेलम नदी पर ये स्थित है। और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चीन व पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में चीन और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही केंद्र पर है, और भारत के साथ दोनों में ही तनातनी चल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में आयोजित किया गया है, ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी, इसकी फुल फॉर्म है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजित किया है और ये 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि शिखर सम्मेलन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में, ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में प्रतिष्ठित जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किस भारतीय का चयन हुआ है? तो प्रतिष्ठित जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए जो है मधु माधवी का जो है चयन हुआ है और बिहार की है ये मधु माधवी, इनका जो है जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। लंदन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल एनर्जी में जो है इनका एक आलेख जो है प्रकाशित हुआ है, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, कोल इन द 21st सेंचुरी अ क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी, इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो लंदन में मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए मधु माधवी जो कि बिहार में है, बिहार की है, उन्हें ये इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अदानी समूह के सोलर पावर पार्क्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने अदानी समूह के सोलर पावर पार्क्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए हैं और राजस्थान सरकार ने अदानी समूह के 9700 मेगावाट के सोलर पार्क्स बनाने की के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत जो अदानी समूह है वो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सोलर प्लांट लगने पर इन 5 जिलों के करीब 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार ने जो है, राजस्थान सरकार ने जो है अडानी समूह के सोलर पावर पार्क्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।